आप जानते हैं मिस्टर खान, जिस आदमी ने भूपी पर अटैक किया ना, वो मंगलपुर की पंचायत का गुंडा नहीं था। Really? Yes. तो आप कहना चाहती कि उन्हें पता था कि मरियम यहाँ पे, लेकिन वो उसे अटैक करने के लिए नहीं है। मिस्टर खान, मैं ये नहीं कह रही। मिस फारूकी, जब अम्मी पर अटैक हुआ था तो मरियम के अबू मेरे साथ फोन पर थे और उन्होंने मुझे खुद कहा था कि वो यहाँ पर आ रहे हैं उसे लेने के लिए। ओके, आई एग्री। मैं ये कह रही हूँ कि वो आदमी हर चीज में इंटरफेयर करना अच्छी बात नहीं होती, स्पेशली इस मामले में। मेरे साथ चलिए। नो मिस्टर खान, ट्रस्ट मी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ। मिस्टर खान देखिए, आप मेरी बात सुनिए, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ और परेशान नहीं होना चाहता। नो मिस्टर खान, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद मिस्टर खान, क्यों मेरी बात हमेशा इग्नोर कर देते हैं, कभी भी नहीं सुनते। क्या कर रही है? You should be resting. मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज आराम कीजिए, अगर आपको कुछ जरूरत है किसी चीज की तो मुझे बताइए। असल पीछे बैठिए। अम्मी, मैं आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं, जोया ने अभी अभी मुझे सूप दिया है। असद, नजमा कह रही थी कि तुमने हॉस्पिटल में अपने अब्बू को बुलाया था। जी, मैं उन्हें बुलाकर लाया था, जब डॉक्टर ने कहा था कि आप मुझे लगा था कि शायद आप भी यही चाहते होंगे। मैं जानती हूं असद कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो, और तुम अपनी जगह सही भी तो हो, लेकिन आजकल कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे ये लगने लगा कि जैसे कि हम उन्हें जितना गलत समझते हैं गलत है नहीं, उनकी गलती इतनी बड़ी नहीं है असद। अम्मी प्लीज, उनकी तरफदारी करना बंद कीजिए। जस्ट बिकॉज़ वो आपको हॉस्पिटल में मिलने आए, इसका मतलब ये नहीं उनके पुराने गुनाह माफ हो जाते। नहीं असद, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमें उन्हें समझने की कोशिश अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए और इन सब बातों के बारे में सोचना बंद कीजिए। ईश्वर, आपको इस वक्त कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू। व्हाट? आर यू श्योर? बिल्कुल मिस्टर खान, आपके कहने के अनुसार जब हमने गांव पर छापा मारा तो हमें पता चला कि पंच और उसके सारे आदमी तो पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। कब? जिस दिन आपकी अम्मी को गोली लगी। हमें पता चला कि मरियम के पिता ने आपको फोन मंगलपुर से किया था और वो लोग मरियम को लेने के लिए निकल ही रहे थे, तभी दूसरे जिले की पुलिस ने उन्हें एक जोड़े के खून के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। वही जोड़ा जिसने भागकर शादी की थी। तो आपके कहने का मतलब है अम्मी पर जो अटैक हुआ था वो मंगलपुर के सरपंच और उसके लोगों ने नहीं कराया था? लगता तो नहीं है, बाकी हम तफ्तीश कर रहे हैं। जी शुक्रिया। आप जानते हैं मिस्टर खान, जिस आदमी ने भूपी पर अटैक किया ना, वो मंगलपुर की पंचायत का गुंडा नहीं था।
मुझे मिस फारूकी की बात सुन लेनी चाहिए थी। शायद वो कुछ ऐसा जानती जो मैं नहीं जानता। हमें होशियार रहना चाहिए क्योंकि ये राज सिर्फ राज नहीं, जिंदगी और मौत का सवाल है। राशिद भैया, आपकी फ्लाइट का वक्त हो गया है। उनका तो हर बार का नाटक है, कभी असद हॉस्पिटल में है, अब दिलशाद। ये सब उनकी चालें हैं। खुदा हाफिज दादी। दादी दादी हाँ? क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? इस घर में कुछ हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है। जानता हूँ दादी, मामू और मुमानी हमें अपना गुलाम बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तुमने जानने की कोशिश की क्यों? अब्बू की वजह से दादी, क्योंकि अब्बू के पास उनका सामना करने की हिम्मत नहीं है। एक बेटे को उसकी माँ से बढ़कर कोई नहीं जान सकता बेटा। जहां तक हम जानते हैं हमारे बेटे को, वो बुजदिल नहीं है। जरूर कोई बात है, वो क्या है हम जानते नहीं है, वरना वो किसी की उंगलियों पे नाचने वाला नहीं है। पर क्या दादी? पता नहीं क्या बात है, लेकिन न जाने उस दिन ऐसा क्या हुआ था जो हमारी नजरों से छुपा रह गया। कोई तो ऐसी साजिश है जिसका सुराग हमें नहीं मिल रहा यार। समझ नहीं आ रहा क्या है। मम्मी इस वक्त हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की भी। मैंने कह दिया ना कि नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। हमें कहां पता है कि जो असद कह रहा है वाकई बात वो है। भला ये क्या बात हुई, दिलशाद को गोली लग गई। क्या सोच रही हैं दादी? आयान, तस्वीर अब हमारी आंखों के सामने साफ होती जा रही है। इस घर पे कोई ऐसी साजिश रची जा रही है जो हमारे बेटे को, उसके घर को दो हिस्सों में बांट रहा है। आपको पूरा यकीन है आपने वही लफ्ज सुने? यस मिस्टर खान, उस आदमी ने मुझे ब्लड ठीक कहा था। और उसके बाद क्या क्या हुआ मुझे सब बताइए, वो मैं भी थी। देखिए मिस्टर खान, मैंने गोली की आवाज सुनी और मैं भागकर यहाँ तक पहुंची और मैंने देखा कि फूफी यहाँ पे गिरी हुई है और वो जो आदमी जिसने शूट किया ना वो दरवाजे के यहाँ तक खड़ा था। और उस वक्त मरियम कहाँ थी? मरियम यहाँ थी, वो भी यहीं गिरी हुई थी फूफी के एकदम बगल में। आगे क्या हुआ? वो आदमी दोबारा से गन पॉइंट कर रहा था तो मुझे लगा वो किसी को मारना दे तो मैंने उसे धक्का दिया और उस... एक मिनट, जब उस आदमी ने दोबारा गन पॉइंट की तो किसकी तरफ की थी? किसकी तरफ पॉइंट की थी सोचिए। उप्पी की तरफ मिस्टर खान। यस मिस्टर खान, दोबारा उस आदमी ने गन उप्पी पर पॉइंट की थी क्योंकि मरियम यहां गिरी हुई थी और उस आदमी ने मरियम की तरफ देखा भी नहीं, एज इफ उसे जानता ही ना हो। दोबारा पुप्पी की तरफ ही गन पॉइंट कर रहा था। हम सोच रहे थे कि कोई मरियम को मारने आया था।
मम्मी को मारने आए थे। ऐसा कौन कर सकता है? सौदा जान लेने का हुआ था और वो अभी तक जिंदा है। तुमसे एक छोटा सा काम सही से नहीं हुआ। अब कान खोल के सुनो, जब तक मैं अगला हुक्म न दूं वहीं पड़े रहो खामोश। रजिया, हमें संभल कर चलना होगा। अब वो 17 साल पहले वाली बात नहीं रही। अब चीजें दुनिया के सामने आते देर नहीं लगती। अगर दिलशाद को मारने की कोशिश उल्टी पड़ गई तो? तुम तो जानती हो ना कि असद अपनी अम्मी से कितनी मोहब्बत करता है। अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो तूफान आ जाएगा। ऐसे तूफानों पर लगाम कसना मुझे अच्छी तरह से आता है। और फिर हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। मैंने आपको बताया था ना कि दिलशाद ने राशिद मियां को फोन किया था। क्या क्या आया तुम्हारे सामने दिलशाद? क्या हाथ लगा है तुम्हारे? ठीक है, मैं जितना जल्दी हो सके वहां पे पहुंचता हूं। शायद तुम्हें जो मिला है दिलशाद, वो गुड़िया कारखाने की मेरी जो मुश्किल है उसे आसान कर दे। दिलशाद कह रही थी कि उसके पास उस हादसे का कोई सुराग है। अगर वाकई उसे कोई सुराग मिल गया है तो वो राशिद मियां को गुड़िया फैक्ट्री की उस साजिश से बचा ले जाएगी और फंसेंगे वो जिन्होंने असल में साजिश की है, यानी आप और मैं। ये बेहद जरूरी है कि हम राशिद मियां को अपने कब्जे में रखें और गुड़िया फैक्ट्री की साजिश के राज को राज। मैं इस राज को किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आने दूंगी, कभी नहीं, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना। वेरी सॉरी मिस्टर खान, सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हुआ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और पप्पी को उस हालत में देखकर तो ऐसे मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैंने बहुत कोशिश की मिस्टर खान कि मैं उसे पकड़ पाऊं, पर नहीं पता मिस्टर खान की वो कौन था। पर अब जब मैं सोच रही हूँ तो मुझे साफ साफ याद आ रहा है, वो आदमी पुप्पी पर ही अटैक करने आया था मिस्टर खान। पर वो कौन हो सकता है? पता नहीं, लेकिन आप सोचते रहिए, शायद हमें और कोई क्लूज मिल सके। आई डोंट नो मिस्टर खान, यहीं पे खड़ा था वो आदमी, उसने दोबारा से गन पॉइंट किया और आई वाज सो स्केयर्ड कि वो दोबारा किसी को गोली ना मार दे। मैंने उसे धक्का दिया, पूरी आवाज पे लगी, फिर मैंने उसका पैर पकड़ लिया और उसने रियलाइज किया कि वो दोबारा गोली नहीं चला पाएगा तो वो भागने लगा। फिर मैंने उसका कॉलर पकड़ा, वो सब खींचातानी में उसका कॉलर फट गया। फिर से उसके पीछे भागे थे मिस्टर खान कि शायद मैं उसे। एक मिनट, आपने कहा उसका कॉलर फट गया था? यस।
ये कहाँ हुआ था? यहीं पे। हाँ, वो दरवाजे से भाग रहा था। यहाँ मिस्टर खान, वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। मैंने यहाँ उसका कॉलर पकड़ा और खींचा, तानी में वो फट गया। मिस्टर, उसका कॉलर यही होना चाहिए। सिर्फ एक हिस्सा है। इट्स ओके मिस्टर खान, मुझे लगता है हम इसके बेसिस पे अपनी तलाश शुरू कर सकते हैं। आई एम श्योर मिस्टर खान, ये छोटा सा पीस ही हमें मिस्ट्री सॉल्व करने में हेल्प करेगा। आई गेस इट्स इनफ। हर गुनाह करने वाला अनजाने में अपना कोई ना कोई सुराग छोड़कर ही जाता है, जिससे वो पकड़ा जाता है। दादी, आप कैसी उल्टी उल्टी बातें कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दादी, क्या आप असद भाईजान की अम्मी पे हुए उस अटैक के बारे में बात कर रही हो? हाँ, मैं उन्हीं की तो बात कर रही हूँ। क्या हुआ रजिया, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है। दादे, अयान भाई जान कह रहे थे कि अभी तक कोई सुराग तो नहीं मिला है और ना ही ये पता चला है कि गोली चली क्यों थी और चलवाई किसने थी। हाँ बेटा, यही तो बात है। क्यों कोई किसी के घर में जाकर एक औरत पर गोली चलाएगा जबकि उस घर में चोरी नहीं हुई? बड़ी बी, हम क्यों इस बारे में बात कर रहे हैं? मतलब उनके घर का मामला है ना, हमारा इससे क्या लेना देना? लीजिए। ठीक कहा तुमने, उनके घर का मामला है, लेकिन फिर भी रजिया, तुम्हें इस हादसे के बारे में ज्यादा पता है। वो कैसे? असद आया था, उसने कहा था मम्मी इस वक्त हॉस्पिटल में, जिंदगी और मौत के बीच। फिर तुमने कहा, लेकिन हमें कहां पता है कि जो असद कह रहा है वाकई बात वो है? भला ये क्या बात हुई, दिलशाद को गोली लग गई। लेकिन असद ने ये तो नहीं कहा था कि दिलशाद पर गोली चली है? और ना ही किसी को इस बारे में पता था और ना ही किसी से कुछ कहा गया था। फिर वैसे तुम्हें कैसे पता चला? बोलो रजिया। तुम्हें कैसे पता चला कि दिलशाद पर गोली चली है? एक्सक्यूज मी,
वैलेंटाइन डे के इवेंट का इनविटेशन? हमें कौन इनवाइट कर रहा है? नाम भी नहीं लिखा। हेलो, आखिर कौन है जिसने हमें इनवाइट किया है?